अस्सलामुअलैकुम। देखो जैसे कि तड़ी पारी का मुझे ऑर्डर आया और मैंने मुमरा छोड़ दिया है। अब मैं मुमरा से बाहर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला यानी मैं जल्दी लौटूंगा। मैं इसके लिए भी ये करा कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से जुल्म की हद पार करती है, अपने पावर को इस्तेमाल करना, किसे बाहर करना। मैं बस मेरी आवाम से ये लाइव आकर के यही अपील कर रहा हूँ कि मेरे हक के लिए दुआ करिए। इसने 2 साल की तड़ी पारी मुझ पर लगाई जो सबसे बड़े गुंडों पर लगाई जाती है। आप जानते हो कि मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, प्रशासन भी जानता कोई गुंडा नहीं हूँ। मैंने हमेशा हक के लिए लड़ाई करी है, मैंने सच के साथ के लिए लड़ाई करी है, उसके चलते मुझे तड़ी पारी दी गई है, मैंने मुमरा छोड़ दी है। अब मैं इंशाल्लाह ताला कानूनी प्रक्रिया जो भी हो पूरी करूँगा। दुआ करिए कि मैं जल्द से जल्द लौटूँ। जैसे ये दावे कर रहा है, लोगों से मुझे मैसेज पहुँचा रहा है कि मैं तेको आने ही नहीं दूंगा, उसके चमचे लोग, कुछ कुत्ते लोग खुशियाँ मना रहे, बम फोड़ रहे, तो मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि कितना भी आप सोच लो, जालिम की जालिमत ज़्यादा दिन नहीं टिकती है। आज मैं हूँ, अल्लाह कल किसी और से काम लेगा, और अल्लाह अगर मुझसे काम लेना चाहता तो इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर लौट कर आऊँगा और लोगों को बताऊँगा कि ये कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ये सिर्फ ऐसा पेपर वर्क छिछोरापना कर सकता है जो वो कर रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मंत्री पद इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ऐसी रद्द होगा कि जब जालिमों पर ज़्यादा जालिम बनेगा पद दिखा करके, तो इसके खिलाफ जाएंगे हम लोग कोर्ट में कि ये अपने पावर को मिसयूज़ कर रहा है। आप लोगों से बस मेरी इतनी दरख्वास्त है कि मेरे लिए दुआ करिए, और ये दुआ करिए कि आपका बच्चा, आपका भाई जल्द से जल्द वापस शहर लौट कर आए। अल्लाह हाफिज़।